छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा आंख पकड़ने लगी है और इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भाजपा ने जिन 3 राज्यों में जीत हासिल की है उनमें नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने ये तय किया है कि 3 राज्यों में नए चेहरों को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। इन 3 राज्यों के नाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है जहाँ भाजपा ने जीत हासिल की है। बता दें कि दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन जारी है। भाजपा ने अभी तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में भाजपा हाईकमान को इस प्रकार का फैसला लेने में 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है। लेकिन जो बातें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें से ये तय हो गया है कि भाजपा इस बार 3 राज्यों में नए चेहरों को सीएम पद की कमान देने जा रही है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ से रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि रमन सिंह नहीं तो कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। बता दें कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सबसे आगे रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, गोमती साय और अरुण साव का नाम सामने आ रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं उनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, वीडी शर्मा का नाम शामिल है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी। तो अब देखना यह होगा कि भाजपा आलाकमान मुख्यमंत्री के रूप में कौन से नए चेहरों को मैदान में उतारती है। इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कौन सा चेहरा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।